वेलकम बैक टू JMS एक्सीलेंट क्लासेज। माय सेल्फ राहुल कुमार, मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में क्लास 12th एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 12 से करने जा रहा हूं, जिस चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समाकलन। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप मेरे स्कूल वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिसका नाम है JMS पब्लिक स्कूल। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, ठीक है। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। तो आपका एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.5, ठीक है। अब चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन। क्या करेंगे, देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्वेश्चन क्या है, आइज कल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर माइनस वन डीएक्स, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं ना, ऊपर का पावर ज्यादा है, नीचे वाला कम है, तो विषम परिमेय फलन में है, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, नीचे वाले से ऊपर वाले को भागा देते हैं, ठीक है ना। मतलब क्या, हर से अंश में भाग देते हैं, ठीक है, हर से अंश में भाग देते हैं। भाग देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन से, क्या है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। तो भाग दे रहे हैं तो इसमें कितना से गुणा करेंगे, एक्स क्यूब हो जाए तो एक्स से गुणा करेंगे, तो क्या हो गया एक्स क्यूब हो गया, माइनस प्लस माइनस एक गुणा एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया, और फिर यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो गया प्लस, साइन चेंज होता है तो कैंसिल हो गया प्लस माइनस वाला, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, क्या हो गया एक्स एक्स टू एक्स हो गया, अब प्लस क्या हो गया वन हो गया, ठीक है। हम लोग भागा दे लिए, लिखेंगे या आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके बाद कितना है हम लोग को, एक्स प्लस है ना, एक्स प्लस, फिर ऊपर चला गया रिमाइंडर, शेष बचा है टू एक्स प्लस वन, ठीक है। अब बटा में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक, यहाँ क्या हो गया डी एक्स हो गया। लिखेंगे हम लोग बराबर इंटीग्रेशन, अलग अलग कर देंगे हम लोग, एक क्या हो गया एक्स डी एक्स, फिर प्लस इंटीग्रेशन, इसको पहले अलग कर लेंगे, क्या लिखेंगे टू एक्स प्लस वन, फिर बताने क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्या है डी एक्स, ठीक है। फिर हम लोग क्या काम करेंगे, लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस, इसको भी अलग अलग करेंगे, लिखेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या ऊपर में है टू एक्स, और फिर नीचे में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर प्लस। अब यहाँ ध्यान देंगे हम लोग, यहाँ क्या है वन, यहाँ डी एक्स कर लेते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ क्या है प्लस, इंटीग्रेशन ऊपर क्या है वन, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स है, ठीक है। अब केयर करने वाली बात क्या चीज है, अब हम सबका अलग अलग करेंगे, क्या चीज इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर उसका सिंपल है, इसका थोड़ा सा परेशानी वाला क्या है, मानना पड़ेगा हम लोग को, है ना, क्योंकि बिना मानने हुए तो आएगा नहीं, ठीक है। और फिर यहाँ देखेंगे ये भी आपका सिंपल ही लग रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग बहुत आसानी से सब कुछ कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत हम लोग का नहीं है। तो कैसे मानेंगे, क्या करेंगे हम लोग देखेंगे, और थोड़ा सा केयर कीजिएगा, अलग अलग किए कि दोनों पे पहन नीचे पे, ठीक है, तो इसको भी अलग कर दिए, इसको भी अलग कर दिए, बीच में प्लस का चिन्ह है प्लस कर दिए, ठीक है। असल में डिस्क रहेगा ये, इंटीग्रेशन कर ले, नोट कीजिए आप। देखेंगे हम लोग, ठीक है, लिखेंगे या आई इक्वल टू, देखिए बाबू एक्स का क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर बाई टू, क्योंकि इंटीग्रेशन है, यदि डिफरेंशिएशन होता तो क्या होता, एक होता, फिर प्लस इसको मानना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप में मानेंगे इंटीग्रेशन टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स प्लस। देखिए तो बाबू यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है हम लोग का, ठीक है ना, ये फॉर्मूला मेरा किस टाइप का बन रहा है मैं यहाँ पे बताता हूँ इसके लिए, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक है, एक का स्क्वायर दे सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक फॉर्मूला क्या हम लोग का होता है, इंटीग्रेशन वन बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है वन बाई टू ए लॉग मोड एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए, ठीक है, ए फॉर्मूला कंडीशन तैयार कर रहा हम लोग का, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, वन बाई टू गुना ए की जगह एक लिखेंगे, है ना, जहां पे ए है वहां पे क्या है, एक है, फिर लिखेंगे हम लोग लॉग मोड, मोड में क्या लिखेंगे तो एक्स माइनस वन बटा एक्स प्लस वन, ठीक है ना। अब लिखेंगे हम लोग बराबर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस इंटीग्रेशन टू एक्स बटा एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स प्लस, इसको सिंपल कर लेते हैं, वन बाई टू इंटू लॉग मोड एक्स माइनस वन बटा एक्स प्लस वन, हम लोग इसको मानेंगे, है ना, लेट माना कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टी, या डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया टू एक्स, वन का जीरो हो गया, और टी का क्या हो गया डी टी बाई डी एक्स हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टू एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। देखिए टू एक्स डी एक्स का बदले रखेंगे क्या चीज, डी टी रखेंगे। तो लिखेंगे हम लोग या आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू, फिर प्लस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वन ऊपर में बचेगा, और फिर क्या है ना नीचे में इसके बदले क्या माने टी, और यहाँ क्या हो गया डी टी, ठीक है, और फिर लिखेंगे हम लोग प्लस वन बाई टू इंटू लॉग मोड एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, ठीक है, लिखेंगे बराबर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वन बाई टी का क्या होगा लॉग मोड टी हो जाएगा, और फिर प्लस वन बाई टू इंटू लॉग मोड एक्स माइनस वन बटा एक्स प्लस वन, प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, है ना, लिखेंगे बराबर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस लॉग मोड, जहां टी माने वहां पे क्या लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वन, और फिर प्लस वन बाई टू इंटू लॉग मोड क्या है एक्स माइनस वन बटा एक्स प्लस वन, प्लस में क्या है सी है। देखिएगा बहुत इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्ग हो जाएगा, इसके बाद फिर हल्का सा थोड़ा ज्यादा टूटेगा, ताकि फिर आंसर मिलाना है किताब से आप लोग को, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसके बदले फॉर्मूला में लिख दिया हूँ, यहाँ पे आप लोग को मैं पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ 7.4 में, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करके इस टाइप का, और इस टाइप का तो फिर कहाँ क्या किया नहीं किया आप लोग को केयर करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी हिसाब है, ठीक है, तब तक नोट कीजिए। देखेंगे बाबू इसको जाने दिए हम लोग, इसी से निकालना है आगे, लिखेंगे या आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस लॉग मोड, देखिए बाबू इसको मैं लिखूंगा ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, फिर प्लस वन बाय टू इंटू लॉग मोड, देखिए ये बता दिया है, इसको मैं अलग अलग कर सकता हूं ऐसे करके एक्स माइनस वन, ठीक है, उसके बाद क्या चीज, और फिर माइनस वन बाय टू लॉग मोड एक्स प्लस वन और प्लस सी। देखिएगा इसी को मैं फोल्ड करके मैं ऐसे लिख रहा हूं मोड करके, ठीक है, वन बाई टू दोनों के लिए, दोनों में हो गया, और बटा में माइनस में हो जाएगा, है ना, यदि प्लस में होता तो यहाँ पे इंटू में होता क्या होता, प्लस में निकलता हम लोग का, ठीक है ना, बता चुके हैं बेसिक। और फिर लिखेंगे हम लोग बराबर एक्स बाई टू प्लस लॉग मोड, यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बन रहा है, तो एक बार प्लस में हो जाएगा एक बार माइनस में हो जाएगा, प्लस वन बाई टू इंटू लॉग मोड एक्स माइनस वन, और फिर क्या माइनस
वन बाई टू लॉग मोड क्या चीज एक्स प्लस वन प्लस सी है ना, लिखेंगे बराबर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस लॉग मोड इसको अलग कर लेंगे एक्स प्लस वन इंटू में प्लस में निकलेगा वन लॉग मोड एक्स माइनस वन प्लस वन बाई टू इंटू लॉग मोड एक्स माइनस वन माइनस वन बाई टू इंटू लॉग मोड एक्स प्लस वन और फिर प्लस में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा है ना। अब देखेंगे हम लोग प्लस वाला यहाँ है और ठीक है और प्लस वाला यहाँ है ना, लिखेंगे बराबर एक्स स्क्वायर बाय टू ये देखिए प्लस में आगे छुपा हुआ इसमें हाफ है एक में हाफ गया कितना बचेगा हाफ बचेगा हाफ मतलब आधा होता है लॉग मोड एक्स प्लस वन और फिर ध्यान देंगे हम लोग माइनस वाला यहाँ है माइनस वाला यहाँ है ना ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है ठीक है माइनस मतलब क्या है लॉग के अंदर तो माइनस का उसको मैं बोल रहा हूँ ठीक है और सब क्या प्लस ही है लिखा हुआ ठीक है। देखिए इसमें प्लस है इसमें प्लस है तो प्लस ही रहेगा इसमें एक है इसमें क्या हाफ है कितना हो गया डेढ़ हो गया डेढ़ क्या लिखेंगे थ्री बाय टू लॉग मोड एक्स माइनस वन प्लस क्या है सी आंसर हो गया। तो कैलकुलेशन था किताब से आंसर मैच करना था इसलिए जरूरी है सब इतना ठीक है ना। ऐसे भी आप लोग को माइंड यहाँ पे दिखेगा कितना छोड़ेंगे लगेगा कि आंसर मेरा आ गया आंसर यहाँ पे आएगा लेकिन आगे प्रोसेस किताब के लिए मैं यहाँ तक जरूरी आना है ठीक है ना। और कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है बहुत ईजी है बस समझिएगा स्पीड से सिर्फ कैलकुलेशन लॉन्ग है ठीक है। देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्वेश्चन है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो बाबू हम लोग क्लियर करेंगे इसमें लिखना क्या ध्यान देने वाली बात है लिखेंगे हम लोग बराबर इंटीग्रेशन 2 बाई 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर लेते हैं सीधा सिर्फ आपको समझने के लिए ठीक है ना। और ऐसे सिस्टम पे मैंने आपको पास जो फॉर्मूला बताया था उसमें इसके बारे में बताया था कि आपके जब ये नहीं टूटेगा तो बेस प्लस सी में आता है ठीक है ना। टूटेगा तो नहीं खंडे खंडित होगा नहीं ना ठीक है ना। क्या लिखेंगे हम लोग या 2 बाई 1 माइनस एक्स इन टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू ए बाई 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ठीक है। लिखेंगे हम लोग या 2 बाई 1 माइनस एक्स इन टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू नीचे एलसीएम लेंगे 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू ये तो कैंसिल हो गया क्या होगा 1 माइनस एक्स ठीक है ये फिर कैंसिल हो गया या 2 इजकल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस दोनों को अलग अलग गुणा कर देंगे बी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस सी इंटू 1 माइनस एक्स है ना। तो लिखेंगे हम लोग या 2 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स को गुणा कर लेंगे अंदर में एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू 1 माइनस एक्स। फिर देखिए यहां तक आने के बाद हम लोगों को ख्याल आता है एबीसी का मान निकालना है ना। तो a का मान निकालने के लिए b और c को जीरो b का मान निकालने के लिए a और c को जीरो c का मान निकालने के लिए a और b को जीरो बारी बारी से जरूरी नहीं कि पहले मुझे a ही चाहिए मुझे b भी आ सकता है c भी आ सकता है ठीक है ना या फिर c आ सकता है या b आ सकता है कुछ भी आ सकता है पहले ठीक है ना जो पहले आएगा उसका मान निकाल सकते हैं ठीक है क्लियर करेंगे हम लोग। और दूसरी बात यहां पर है जब मान निकालेंगे तो फिर मान निकालने के बाद तो फिर क्या हमें प्रक्रिया क्या है बहुत इजी हो जाता है ठीक है ना सिर्फ उसको पुट करेंगे वहां पे पुट करने पर मेरा क्या आंसर आता है ठीक है। देखेंगे हम लोग कोई खास नहीं है ठीक। तो
सबसे पहले ए का मान निकालते हैं, मतलब निकाले के देखते हैं पुट करके। यदि मैं यहाँ वन पुट करता हूँ एक्स की जगह जीरो, ए भी क्या है जीरो, इसका मान निकल जाएगा। देखेंगे भाई जब एक्स इक्वल टू वन या टू इक्वल टू ए इंटू एक्स की जगह पर क्या होगा वन का स्क्वायर प्लस वन, ए जीरो और ए जीरो छोड़ देंगे इसको हम, या टू इज कल टू ए का स्क्वायर एक 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 दो कितना हो गया टू ए, टू टू कैंसिल कितना बचेगा ए, या ए बराबर क्या हो गया एक। ठीक है तो हम लोग को ए का वैल्यू आ गया, ठीक है कितना है एक आया। अब बी और सी के बारे में सोचते हैं हम लोग। तो यदि मैं यहाँ पे माइनस एक लिखूंगा ठीक है ना, ए जीरो नहीं होगा, ठीक है होगा जीरो कभी नहीं होगा, और फिर ना ही ए होगा, ठीक है और फिर क्या ना ही ए होगा। तो मैं यदि जीरो रखता हूं ए तो हो जाता बंदा, बात रही किसकी ए और सी की, ए का वैल्यू दिया गया सी का निकल जाएगा है ना। ठीक तो लिखेंगे जब एक्स बराबर जीरो या यहां तो ही रहेगा बराबर, यहां देखेंगे हम लोग ए इन टू जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जीरो ही रहेगा क्या हो जाएगा वन, और प्लस ए तो जीरो पूरा हो जाएगा और सी इन टू वन माइनस जीरो कर देते हैं ठीक है। या टू इज इक्वल टू ए तो ए देखिएगा गुना ए तो ए हो गया ठीक है, प्लस सी गुना ए क्या हो गया सी हो गया ठीक। लिखेंगे हम लोग यार टू इज इक्वल टू ध्यान देंगे ए का वैल्यू बाबू क्या आया है एक आया है यहाँ पे एक प्लस क्या है सी। लिखेंगे यार टू माइनस वन इज इक्वल टू सी या सी इज इक्वल टू क्या हो गया वन, मतलब ए का भी वैल्यू वन और सी का भी वैल्यू वन। तो देखते हैं फिर आगे हम लोग फिर लिखेंगे व्हेन जब क्या, अब किसकी बारी है बी की बारी है ना ठीक है। तो चलिए कुछ भी रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बात सेम आएगा ठीक है। हम रख लेते हैं एक्स बराबर कितना टू ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग या टू इज इक्वल टू ए इन टू दो रखेंगे दो का स्क्वायर चार, चार कितना हो गया पांच, ए गुना पांच हो गया, फिर प्लस फिर दो रखेंगे इसमें है ना, यहाँ दो हो गया यहाँ दो का स्क्वायर चार हो गया ठीक है, चार में दो गया दो माइनस दो हो जाएगा तो बी गुना माइनस टू प्लस सी इन टू यहाँ देखिए दो रखेंगे तो माइनस एक निकलेगा माइनस एक। लिखेंगे या टू इज इक्वल टू फाइव ए माइनस टू बी माइनस सी, या टू इज इक्वल टू फाइव गुना ए का वैल्यू ए माइनस टू बी माइनस सी का वैल्यू ए, या टू इज इक्वल टू फाइव माइनस टू बी माइनस वन, या पांच में से एक दिया कितना हो गया चार, टू इज इक्वल टू फोर माइनस टू बी, या चार चलाएगा इस साइड टू माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस टू बी, या माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू बी, टू टू कैंसिल माइनस माइनस कैंसिल कितना बचेगा वन, या बी इज इक्वल टू कितना हो गया वन ठीक है। तो हम लोग को बी का वैल्यू आ गया ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेते हैं ठीक है ना। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग याद रखने के लिए, या फिर कॉमन है याद ही रहेगा, ए का वैल्यू ए बी का वैल्यू ए सी का वैल्यू ए ठीक है ना, ए का वैल्यू ए बी का वैल्यू ए सी का वैल्यू ए, सबका वैल्यू क्या है एक आया है। तो यहाँ तो नोट कीजिए, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर पुट नहीं करेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे सबका ठीक है कर दीजिए। देखेंगे बाबू आगे फिर हम लोग ठीक है लिखेंगे यार, तो आपका तो क्वेश्चन ही ना है ठीक है, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन टू बाई वन माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या हो गया डी एक्स ठीक है, किसके बराबर चल रहा है आई बराबर, चलिए यहां भी बराबर लिख लेते हैं ठीक है, और इसके बराबर फिर क्या आया ये बुलाना है तो क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन क्या एक के बदले एक ठीक है वन माइनस एक्स क्या हो गया डी एक्स प्लस, फिर ध्यान देंगे हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन बी के बदले, देखेंगे इधर बी के बदले एक लिखेंगे एक गुण एक्स क्या हो गया एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या हो गया डी एक्स, अब प्लस सी के बदले क्या लिखेंगे
एट और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या हो गया डी एक्स। ठीक इसके बदले ए इसके बदले ए सब ठीक है लिखेंगे अब लोग हम लोग अब क्या आई इज इक्वल टू तो वन माइनस एक्स एट क्या हो जाएगा लॉग मोड वन माइनस एक्स ठीक है फिर प्लस बाबू इसको मानना पड़ेगा क्योंकि ऊपर में x है उसको हटाना ना है ठीक है बिना x हटे तो log का फॉर्मूला यूज होगा नहीं उस पे ठीक तो केयर करेंगे उसको मानेंगे चलिए इसके बाद वाला मानेंगे इसको ऐसे रखते हैं इंटीग्रेशन x बटा x स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया dx अब प्लस देखिए फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का tan इनवर्स x ठीक है क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस 1 होता है ठीक अब यहाँ मानेंगे क्या चीज लेट माना कि x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t x स्क्वायर का 2x हो गया 1 का 0 हो गया और t का क्या हो गया dt by dx हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x dx इज इक्वल टू dt by 2 कर लेंगे ठीक है क्योंकि हमको मतलब है x dx से x dx बराबर क्या हो गया dt by 2 हो गया अब लिखेंगे हम लोग या i इज इक्वल टू log mod 1 minus x plus integration ऊपर में a नीचे में क्या है t यहाँ क्या हो गया dt लेकिन बाबू देखिए dt by 2 है 1 by 2 क्या कर लेंगे हम लोग बाहर कर लेंगे है ना अब plus tan inverse x ठीक है लिखेंगे हम लोग बराबर log mod 1 minus x plus 1 by 2 तो 1 by 2 का क्या हो गया log mod t ठीक है और plus tan inverse x plus c लिखेंगे हम लोग या i इज इक्वल टू ठीक है log mod 1 minus x plus 1 by 2 into log mod जहां t है वहां क्या लिखेंगे x square plus 1 plus tan inverse x plus c आंसर ठीक है बहुत इजी है देखिएगा यहाँ देखिए माइनस एक छुपा हुआ है एक से गुणांक में भागा पड़ेगा माइनस एक से भागा देंगे तो फिर यहाँ देखिएगा ठीक है ना इसका बदल लिखे थे हम लोग चल रहे थे आया था इसका ठीक है तो फिर अगला स्टेप में यहाँ देखिएगा मैं लिखा हूँ यहाँ माइनस आगे आ जाएगा यहाँ देखिए माइनस आगे आ जाएगा यहाँ देखिए माइनस आगे आ जाएगा ठीक है माइनस छूट गया था ठीक है ना तो अब प्लस प्लस भागा क्यों नहीं पड़ता देखिएगा क्योंकि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उससे ठीक है ना प्लस हमेशा प्लस ही रहेगा आप यदि पॉजिटिव बात के साथ रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना यदि आप नेगेटिव बात के साथ रहिएगा तभी क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा इसलिए नेगेटिव का बहुत डेंजर है इसको ख्याल रखिएगा हमेशा ठीक है देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx देखिए इसको भी मैं एक अलग सिस्टम से बना सकता हूं ध्यान दीजिएगा लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन 3 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 7 प्लस 7 माइनस 7 ऐसा क्यों 3 इंटू एक्स 3x और प्लस 3 दूनी 6 और 6 में 7 गया माइनस 1 इस रूप में आ जाएगा फिर बचा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx लिखेंगे बराबर अलग अलग करेंगे तो 3 कॉन्स्टेंट यहाँ पे है ठीक है ना इसके साथ में बाहर कर लेता हूं इंटीग्रेशन x प्लस 2 और बटा में क्या है x प्लस 2 का होल स्क्वायर ठीक है फिर यहाँ dx माइनस 7 कॉन्स्टेंट बाहर कर लेते हैं 1 बटा x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या हो गया dx आगे फिर हम केयर करेंगे लिखेंगे बराबर देखिए यहां पर ये वो कैंसिल हो जाएगा ऊपर क्या बचेगा 1 बराबर 3 इंटू इंटीग्रेशन 1 बटा x प्लस 2 dx माइनस 7
इंटू इंटीग्रेशन एक्स प्लस टू पर पावर माइनस टू डी एक्स पावर चला गया ऊपर, ठीक है। और देखिए प्लस से लिखने के लिए भूलिएगा मत, जब इंटीग्रेशन लास्ट फाइनल निकल जाता है तब, मतलब कि इंटीग्रेशन का जब चिन्ह हट जाता है उसका मान सब निकल जाता है, तो प्लस से भूलिएगा मत, समझ रहे, प्लस इंपॉर्टेंट है, इसलिए चर्चा करना लेना बहुत जरूरी है, यदि कहीं छूट जाए हमसे तब मत छोड़िएगा, ठीक है। लिखेंगे बराबर थ्री इंटू लॉग मोड क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू, ठीक। देखिए एक्स के बराबर क्या है प्लस वन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस सेवन इंटू एक्स प्लस टू पर पावर माइनस टू प्लस वन बटा माइनस टू प्लस वन, अब प्लस क्या सी, अब इंटीग्रेशन कहीं नहीं है, क्या दे दिए प्लस सी। लिखेंगे बराबर थ्री लॉग मोड एक्स प्लस टू, और यहां देखिए माइनस सी निकलेगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस सेवन इंटू एक्स प्लस टू पर पावर माइनस एक प्लस सी। लिखेंगे बराबर थ्री इंटू लॉग मोड एक्स प्लस टू प्लस सेवन बटा पावर पॉजिटिव हो जाएगा एक्स प्लस टू प्लस सी, आंसर हो गया, ठीक है। बहुत इजी है, शॉर्टकट में हो गया। ऐसे क्या होता उस पास फॉर्मूले के अनुसार से चलते हम लोग, इसको ए बी पे मानना होता तो फिर लॉग जानता, चलिए ऐसे बन जाते हैं, ग्रांडियोस ट्राई कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखेंगे बाबू जो भी मैंने क्वेश्चन नंबर 14 बताया वो भी कैलकुलेशन मतलब मेथड सही है, लेकिन आपके किताब के अनुसार से आंसर मैच नहीं कर रहा, तो इस हिसाब को मैं सिकेट मिठक बनाता हूं, वो भी हिसाब सही है, ठीक है, अलग मेथड से। चलिए आते हम लोग लिखते हैं सेकेंड मेथड, ठीक है। लिखेंगे हम लोग या आई इक्वल टू इंटीग्रेशन थ्री इंटू एक्स माइनस टू प्लस फाइव बटा में क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, क्या हो गया बी एक्स, थ्री एक में एक्स थ्री एक्स तीन दूनी छो छो में पांच गया माइनस एक, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग क्या चीज बराबर अलग अलग करेंगे, थ्री इंटू इंटीग्रेशन एक्स माइनस टू पर रहेगा और नीचे एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर है ना, देखेंगे फिर लिखेंगे हम लोग प्लस, ठीक है ना, देखिएगा फिर प्लस में क्या है फाइव कॉन्स्टेंट बार इंटीग्रेशन वन बटा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ठीक डी एक्स, अब हम लोग को केयर करना, ठीक है ना, केयर करने वाली बात क्या चीज है वहां ध्यान देंगे। यहां देखिए x प्लस टू है, x प्लस टू का होल स्क्वायर जो है ना, ठीक, अब नीचे तो माइनस है नहीं ना, माइनस नहीं है, नहीं है, यदि माइनस नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जबकि आपका आंसर दे रहा है x माइनस टू में, ठीक है, x माइनस टू में दे रहा है तो फिर क्या करेंगे हम लोग, प्रक्रिया क्या होगा गलत में है आपका आंसर जो है किताब का मैच नहीं करेगा, ठीक है ना, क्वेश्चन वहां पे चेंज करेंगे तब जाकर के मैच कर सकता है, कैसे देखेंगे ट्राई करते हो। यहां यदि मैं माइनस करता हूं, ठीक है, तो फिर मुझे यहां भी करना पड़ेगा माइनस, यहां भी करना पड़ेगा, यहां भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग, ठीक है ना, क्या देखेंगे ये वो कैंसिल हो गया है, बराबर थ्री इंटीग्रेशन ऊपर बचेगा ए, यहाँ क्या हो गया एक्स माइनस टू, और देखिए यहाँ डी एक्स छूट गया है, थोड़ा सा मिस्टेक, क्या हो गया डी एक्स प्लस फाइव इंटीग्रेशन एक्स माइनस टू पर पावर माइनस टू है ना, और फिर क्या हो गया डी एक्स, लिखेंगे बराबर थ्री इंटू लॉग मोड एक्स माइनस टू, फिर यहां देखेंगे प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस टू पर पावर माइनस टू प्लस वन, और नीचे माइनस टू प्लस वन,
लिखेंगे बराबर 3 इंटू लॉग मोड एक्स माइनस टू, फिर यहां माइनस निकलेगा, माइनस प्लस माइनस 5 इंटू लॉग, इसमें नहीं होगा सॉरी, 5 इंटू 1 बटा पावर 1 निकलेगा माइनस में, ठीक है ना, चला जाएगा नीचे एक्स माइनस टू हो जाएगा। अब प्लस सी देखिए यहां दे देंगे हम लोग, निकलेगा तो प्लस सी, मेरा लास्ट फाइनल आंसर क्या हो गया, लिखेंगे बराबर 3 लॉग मोड, ठीक है, क्या हो गया एक्स माइनस टू और माइनस 5 बटा एक्स माइनस टू और प्लस क्या सी, मेरा आंसर हो गया फाइनली, ठीक है ना। तो यदि हम किताब में क्वेश्चन सुधारते हैं, माइनस करते हैं, तो मेरा आंसर किताब के अनुसार से मिलेगा। यदि नहीं सुधारेंगे, जो मैं पहले बताया हूँ क्वेश्चन प्लस में था, आपका आंसर जो आया पहले वाला में वही आपका आंसर आएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। देखेंगे तब इसको हम सेकेंड मेथड नहीं बोलेंगे, क्योंकि सेकेंड मेथड होता है कब, जब आपका क्या प्लस यहां पर होता तब, ठीक है ना। सेकेंड मेथड के लिए मैंने ट्राई किया आपने किताब के आंसर के लिए, लेकिन अगर क्वेश्चन ही रॉन्ग था उस आंसर के लिए, ठीक है ना। तो यदि क्वेश्चन प्लस में लेंगे तो उसके अनुसार से सुटेबल मेरा आंसर वो बोला आएगा जो मैं पिछले बना चुका हूं, और यदि माइनस करेंगे तो आंसर मेरा ए रहेगा। तो किताब से मैच करेगा आंसर, क्वेश्चन मैच नहीं करेगा, क्वेश्चन क्या करेंगे सुधार देंगे, क्या लिखेंगे प्लस की जगह माइनस, ठीक है ना, समझ गए ना। ठीक, देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। आपका क्वेश्चन है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बटा एक्स पर पावर 4 माइनस 1 डीएक्स। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1/4, कोई दिक्कत, 1/4 या 1/1 करोड़, कुछ भी लिखिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एक जो है ना ढीठ है वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। ऐसे आप लोग यदि ढीठ होंगे तो गार्जियंस कितना कुछ कहेंगे पढ़ने के लिए, आप नहीं पढ़िएगा, ठीक है ना। देखिएगा लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन 1/x² का होल स्क्वायर माइनस 1² का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया डीएक्स, पूरा अंदर वाले को ए मानेंगे, पूरा अंदर वाले को बी मानेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है। लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन 1/x² माइनस 1² इंटू x² प्लस 1² क्या हो गया डीएक्स। लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन 1/, ठीक है, 1/ में क्या एक बार देखिए, फिर ए हो गया फिर बी हो गया, तो एक बार क्या प्लस में एक बार क्या माइनस में, और फिर इंटू x² प्लस 1² 1 हो गया, इसका आगे तो टूटेगा नहीं, ठीक है, क्या हो गया dx। अब लिखेंगे हम लोग या क्या 1/x+1 इंटू x-1 इंटू x² प्लस 1, ठीक है, बराबर a/x+1 प्लस b/x-1 प्लस, अब देखिए cx+d, समझ गया ना, यहां इसके पहले वाला हिसाब में था, ठीक है ना, एक ई वाला था चाहे एक ई वाला था, एक ई वाला था, ठीक है ना, मतलब दो का इनटू में, इसमें क्या है तीन के इनटू में है, ऐसे भी क्या करेंगे cx+d, इसके पहले क्या करते थे bx+c करते थे, ठीक है, b यहां लिखा ही गया, अब बटा में क्या हो जाएगा x² + 1। लिखेंगे या 1/LCM लेंगे x+1, यहां तो ऐसे ही रहेगा पहले भी, x-1 इनटू x² + 1, यहां पर जैसे वैसे रखेंगे बराबर, यहां एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम x+1 इंटू x-1 इंटू x² + 1, ठीक है, इससे कैंसिल हो गया a इंटू x-1 इंटू x² + 1 प्लस b इंटू, इससे कैंसिल हो गया तो x+1 इंटू x² + 1
फिर प्लस सी एक्स देखेंगे, सी एक्स प्लस डी इंटू में क्या हो जाएगा, क्या सी हो जाएगा इंटू में, कैंसिल हो गया तो एक्स प्लस वन है ना, ये कैंसिल हुआ, क्या लिखेंगे एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है। तो यहां तक नोट कीजिए, बताते आगे। देखेंगे हम लोग तो ए वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया है ना, तो लिखेंगे हम लोग या ठीक वन इज इक्वल टू क्या ए इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। और ध्यान देंगे सी में गुणा करेंगे अलग से सी एक्स में, प्लस सी एक्स इंटू क्या चीज, दोनों गुणा ना होगा, ठीक है। दोनों गुणा के लिए क्या कर लेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस में है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए कर लेते हैं, है ना। और फिर प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर लिखेंगे हम लोग या वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी इंटू एक्स गुना हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब मुझे जो है ना इससे काम है, सिर्फ इससे काम है, तो मिटाता हूं फिलहाल, फिर बाद में लिख लेंगे हम लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे ए बी सी टी, अभी तक हम लोग ए बी सी का मान ज्ञात किए, इसमें क्या है ए बी सी टी, समझ गए ना। तो क्या करेंगे, ए का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी के जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे बी में क्या रखेंगे माइनस एक, तभी कैंसिल होगा। इसमें क्या रखेंगे सी में भाई, कुछ पता नहीं है, माइनस एक रखेंगे काम करेगा, नहीं काम करेगा, इसमें इसमें भी काम नहीं करेगा, तो परेशानी वाला बात हो जाता है। इसमें तो काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक भी काम करेगा माइनस एक भी काम करेगा, ठीक है ना, बट इसमें तो काम नहीं करने वाला, क्योंकि यहां देखेंगे हम लोग क्या है, इस तरह का बात हो जाता है, इस तरह के बाद में क्या है ना परेशानी है, इसे भी काम करेगा, माइनस एक रखेंगे तो जीरो हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है। और माइनस एक रखेंगे तो प्लस वन हो जाता है, और फिर यहाँ पे परेशानी है इसमें, ठीक है ना, परेशानी कुछ नहीं, पावर तीन है तो अभी निकलेगा तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं, लिखेंगे वेन जब एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है, या वन इज इक्वल टू ए इंटू माइनस वन माइनस वन, फिर इंटू माइनस, देखिए इंटू में बराबर कर देते हैं माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, और फिर देखेंगे माइनस वन रखेंगे माइनस वन प्लस वन जीरो, पूरा भी जीरो हो गया, यहाँ देखिए माइनस वन रखेंगे माइनस पावर सम संख्या नहीं ना है, विषम संख्या ना है, क्या माइनस बाहर कर देगा माइनस एक, यहाँ क्या होगा रखेंगे माइनस माइनस प्लस एक जीरो हो जाएगा, आई भी क्या हो गया आपका माइनस रखेंगे प्लस में निकलेगा माइनस जीरो हो गया, ठीक है। लिखेंगे या आप लोग अपना रफ कॉपी पे करके देख सकते हैं साइड में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे क्या होगा टाइम का थोड़ा सा बर्बादी होगी, ठीक। और वन इज इक्वल टू क्या हो गया ए इंटू माइनस एक माइनस एक माइनस टू इन टू माइनस पावर सब संख्या प्लस एक का स्क्वायर एक प्लस एक, फिर या वन इज इक्वल टू एक एक दो तो क्या हो गया माइनस दो दो नहीं चार ए, या ए इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस वन बाई फोर हो गया, ठीक है, एक का मान हम लोग को आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब x इज इक्वल टू अब क्या रखेंगे वह इसको जीरो करने के लिए एक रखेंगे, ए जीरो हो गया, ए भी जीरो हो गया और ए भी जीरो हो गया, ठीक है, इसका मान निकलेगा बी का मान निकलेगा, अब x में क्या रखेंगे एक रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग या वन तो वन ही है बराबर ए जीरो ए वाला बचेगा बी इंटू जहां x है वहां वन प्लस वन इंटू वन का स्क्वायर प्लस वन, ए भी जीरो वन रखेंगे तो, ठीक है,
और फिर ए बी जीरो, ठीक है, लिखेंगे या वन इज इक्वल टू वन वन टू और फिर वन वन टू, दो दो में कितना हो गया चार बी हो गया, या बी इज इक्वल टू क्या हो गया वन बाई फोर हो गया, ठीक है, कितना हो गया वन बाई फोर, इसके बदले बी के बदले, ए के बदले माइनस वन बाई फोर, बी के बदले वन बाई फोर, ठीक है। अब सी में आते हैं हम लोग, या फिर डी में आएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। वेंचर, अब यहां क्या करेंगे, किसमें क्या वैल्यू रखेंगे कि तीनों कम से कम कोई जीरो हो, ठीक है, तो चलिए सी के लिए नहीं डी के लिए क्या करता हूं, इसको जीरो रख लेता हूं सी के लिए, है ना, सी जब जीरो हो जाएगा, जीरो रखेंगे तो यहां पर डी का वैल्यू निकल सकते हैं, ए बी का तो मानना है ही है, ठीक है। तो वेन जब एक्स बराबर क्या जीरो, या यहां तो वन है ही है बराबर, तो ए इन टू, ठीक है, जीरो माइनस वन माइनस वन और इन टू जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस वन तो वन, ठीक है, फिर प्लस बी इंटू जीरो गुना एक जीरो सॉरी एक जीरो जोड़ एक, एक हो गया, ठीक है, और फिर इंटू जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस वन फिर एक हो गया, ठीक है, ये तो जीरो ही हो गया, और प्लस बी इंटू ये जीरो हो गया, फिर माइनस एक हो जाएगा, लिखेंगे या वन इज इक्वल टू माइनस ए और प्लस बी और माइनस डी, ठीक है, माइनस डी को ही पट्टी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, वन प्लस डी हो जाएगा, तो खाली डी लिखेंगे वन चला जाएगा एक पट्टी में, तो क्या होगा माइनस वन माइनस ए और फिर क्या प्लस बी, प्लस में था माइनस में हो गया, या डी इज इक्वल टू डी का निकालना वैल्यू हमको, इसको अलग कर लिए, माइनस वन माइनस ए का वैल्यू क्या है माइनस वन बाई फोर, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस वन बाई फोर, प्लस बी का वैल्यू क्या है वन बाई फोर है ना, बराबर फोर एलसीएम ले लेते हैं, माइनस फोर प्लस वन, ठीक है, लिखेंगे या डी इज इक्वल टू माइनस फोर प्लस टू बाई फोर, माइनस टू बाई फोर, दो दूनी चार ऊपर एक तो वन माइनस वन बाई टू, लिखेंगे या डी इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, डी का वैल्यू कितना आ गया माइनस वन बाई टू, हम लोगों को अभी तक ए का बी का और डी का वैल्यू हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर मैं साइड में लिख लेता हूँ, ए का वैल्यू कितना हो गया माइनस वन बाई फोर और फिर बी का वैल्यू क्या हो गया वन बाई फोर, सी का निकालना है और डी का कितना आ गया हम लोगों के लिए माइनस वन बाई टू, ठीक है, तो यहाँ तक नोट कीजिए, आगे फिर मैं करता हूँ। देखेंगे हम लोग ए बी और डी का वैल्यू प्राप्त कर लिए, सी का निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना, तो सी का निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वही कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए वेन जब एक्स बराबर टू मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक मानेंगे तो फिर इसको डेंजरस ही है, माइनस एक मानेंगे ये भी डेंजरस ही है, ठीक है, जीरो मानेंगे फिर भी इसका डेंजरस है, तो टू मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे हम लोग या वन इज इक्वल टू ए इंटू टू माइनस वन वन इंटू दो में चार चार कितना हो गया पांच, प्लस बी इंटू दो है कितना हो गया तीन इंटू दो में चार है पांच, प्लस सी इंटू दो दिया देखो दो में चार चार दो में आठ, आठ में से दो गया कितना हो गया छ, प्लस डी इंटू दो में चार चार में से कितना हो गया तीन, लिखेंगे या वन इज इक्वल टू पांच गुना एक पांच और गुना एक कितना हो गया फाइव ए, प्लस पांच दिया पंद्रह बी और प्लस सिक्स सी और प्लस थ्री डी, ठीक है, लिखेंगे या सिक्स सी को ऐसा ले आते हैं माइनस सिक्स सी, क्योंकि सी का वैल्यू निकालना है, क्या बचेगा फाइव ए प्लस पंद्रह बी और प्लस थ्री डी, है ना, नोट करेंगे हम लोग आगे, लिखेंगे या माइनस सिक्स सी इज इक्वल टू फाइव गुना ए का वैल्यू क्या है माइनस वन बाई फोर, माइनस वन बाई फोर लिखेंगे प्लस पंद्रह गुना बी का वैल्यू क्या है वन बाई फोर, प्लस थ्री गुना डी का वैल्यू क्या है माइनस वन बाई टू, ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग या माइनस सिक्स सी इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई फोर, ठीक है, प्लस पंद्रह बाई फोर फिर प्लस माइनस माइनस थ्री बाई टू, ठीक है, लिखेंगे या माइनस सिक्स सी इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे फोर माइनस फाइव
प्लस 15 माइनस 2 दूनी 4 3 दूनी 6 लिखेंगे या माइनस 6 इक्वल टू देखिए माइनस 6 माइनस 5 है ना माइनस 11 15 11 कितना हो गया 4 बाई का हो गया 4 ठीक देखिए नियम बुक बहुत इजी है माइनस 5 माइनस 6 माइनस 11 15 में से 11 गया 4 ठीक है बटा क्या हो गया 4 4 से क्या हो गया कैंसिल कितना बचेगा 1 माइनस 6 इक्वल टू 8 या c इक्वल टू माइनस 1 बाय 6 c का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया माइनस 1 बाय 6 आ गया ठीक है ना नोट कीजिए देखेंगे बाबू आपका क्वेश्चन था स्टेप में था इसके बाद नियम को इतना आया था सबका वैल्यू निकल चुका है बारी बारी से पुट करेंगे लिखेंगे हम लोग या आई इक्वल टू इंटीग्रेशन इसको ना 1 बटा x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया dx इज इक्वल टू इसके बदले फिर सब आया ना a का वैल्यू क्या माइनस 1 बटा 4 माइनस 1 बटा 4 क्या करेंगे बाहर कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन 1 बटा क्या हो गया x प्लस 1 ये क्या हो गया dx ठीक है फिर देखिए प्लस b का वैल्यू क्या 1 बटा 4 तो 1 बटा 4 बाहर कर लेंगे इंटीग्रेशन 1 बटा क्या बचेगा x माइनस 1 फिर प्लस देखिए c x प्लस d है ना तो c c का वैल्यू क्या है माइनस 1 बटा 6 है ना तो लिखेंगे हम लोग माइनस 1 बटा 6 को बाहर कर लेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट है क्या बचेगा यहाँ पर x बटा में क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 ठीक है ये क्या हो गया dx है ना और फिर ध्यान देंगे हम लोग नोट करेंगे लिखेंगे प्लस d का वैल्यू क्या है माइनस 1 बाई 2 तो क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 क्योंकि माइनस है बाहर में प्लस प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 1 बाई 2 बाहर निकल गया कांस्टेंट 1 बटा क्या x स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया dx ठीक अब क्या करेंगे लिखेंगे हम लोग या i इक्वल टू माइनस 1 बाय 4 log mod x प्लस 1 प्लस 1 बाय 4 इनटू log mod x माइनस 1 प्लस देखिए बाबू ध्यान देंगे माइनस 1 बाय 6 है ना और देखिए इसको बिना मांगे ही हटेगा जब तक हटेगा तब तक उपाय नहीं होगा है ना क्या करेंगे हम लोग ध्यान देंगे ठीक है माइनस 1 बाय 6 इंटीग्रेशन है ना क्या हो गया इंटीग्रेशन ठीक x बटा x स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया dx माइनस 1 बाय 2 इसका क्या हो गया टाइम रिवर्स x ठीक है तो लिखेंगे हम लोग बराबर प्लस प्लस आगे ले आते हैं 1 बाय 4 इंटू लॉग मोड x माइनस 1 और फिर क्या चीज माइनस 1 बाय 4 लॉग मोड x प्लस 1 और फिर देखिए यानी कि प्लस माइनस में क्या हो गया माइनस हो जाएगा यहाँ देखिए प्लस लिखा हुआ था उस टाइम मिस करिए नहीं लिखे थे मैं लिखता हूँ यहाँ पे ठीक है देखेंगे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस लिख देते हैं डायरेक्ट में ठीक है तो माइनस 1 बाय 6 इंटीग्रेशन x बटा x स्क्वायर प्लस 1 ठीक है और फिर क्या dx माइनस 1 बाय 2 tan inverse x तो सबका सेटिंग हो गया अब इसका सेटिंग करना ठीक है उसको मानेंगे हम लोग क्या मानेंगे लेट माना कि x स्क्वायर प्लस 1 है ना क्या मानेंगे x स्क्वायर प्लस 1 इसका कितना t ठीक है तो या x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और का क्या हो गया 0 dt by dx लिखेंगे या ठीक है ना या में क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x dx is equal to dt by 2 ठीक है ना क्योंकि मुझे x dx को कैच करना है इसके बदले क्या आएगा dt by 2 आएगा ठीक है नोट कीजिए यहां तक देखिएगा बाबू इस जगह मिस्टेक हो गया ठीक है ना जब हम लोग c का वैल्यू निकाल रहे थे लास्ट में से 2 पुट किए थे ना वहां कैलकुलेशन में कहीं कुछ छूट गया मिस्टेक हो गया आप उसको चेक कर लीजिएगा c का वैल्यू हम लोग का 0 आएगा ठीक है ना
यदि मैं दोबारा निकालता हूं तो फिर टाइम पे परेशानी होती है, खुद चेक कर लीजिएगा वहां पे लास्ट में जो जहां पे 2 पुट की x बराबर था वहीं पे कैलकुलेशन फंसा, परेशानी हुई है, बाकी सब सही है। तो जब c बराबर 0 आएगा, जो मैं c का वैल्यू मैं रख रहा हूं, तो पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक्चुअली क्या है ना, देख रहा हूं बताता हूं, क्योंकि मुझे c से मतलब नहीं है। जब c पूरा 0 हो गया, पूरा क्या कर देगा, 0 कर देगा, उसका फाइनल पूरा क्या हुआ, 0 हो गया, ठीक है ना। तो ओनली फॉर d का रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, और मैं लिखता हूं -1/2, इसका तो हो ही जाएगा, tan इनवर्स x प्लस c सबका निकल ही गया है। और फिर देखते हैं हम लोग इसको आगे कर लिए, प्लस वाले को -1/2 इंटू tan इनवर्स x प्लस c, अब इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि c का वैल्यू 0 हो गया, उसी में थोड़ा सा परेशानी हो रही थी हम लोग को, ठीक है ना। हमको ध्यान अचानक पड़ा, देखें कि वहां पर से कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। आप क्या कर सकते हैं, लिखेंगे बराबर 1/4 इंटू लॉग मोड एक्स माइनस वन, बटा में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन अब -1/2 टेन वर्स एक्स प्लस सी, आंसर हो गया, ठीक है। सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, पूरा इसका फैमिली क्या हो जाएगा, 0। कैसे देखो बताता हूँ मैं साइड में, ठीक है ना। अब मैं इसका वैल्यू पुट कर रहा हूँ इसके साथ, ठीक है ना, देखिएगा। तो c का क्या हो गया, 0 गुना x बटा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1, ये पूरा क्या हो गया, 0 बटा ना, फिर क्या हो गया, 0, तो फायदा नहीं है, ठीक है, नोट कर लीजिए और फोकस कर लीजिएगा। यदि परेशानी होगी, नहीं निकलेगा c का वैल्यू 0, तो आप कमेंट कीजिएगा और फिर व्हाट्सएप नंबर रहेगा, मैसेज कीजिएगा, मैं फिर से बना के डालूंगा, ठीक है। देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x इंटू एक्स पर पावर अगेन माइ प्लस वन, ठीक है, यहां क्या हो गया dx। आपका इस क्वेश्चन में संकेत दिया गया है, आंसर हम हर को एक्स पर पावर n माइनस वन से गुणा कीजिए और एक्स पर पावर एन बराबर टी रखिए, ठीक है, देखिएगा। तो लिखेंगे एक्स पर पावर एन माइनस वन से अंश एवं हर में गुणा करने पर, ठीक है, बराबर इंटीग्रेशन एक्स पर पावर एन माइनस वन तो रह जाएगा ऊपर में, नीचे x इंटू एक्स पर पावर n माइनस वन इंटू एक्स पर पावर n प्लस वन, x पहले से था, इतना से गुणा किए, यही पहले से था, क्या हो गया dx। लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन x पर पावर n माइनस वन बटा, ऐसा तो कैलकुलेशन बहुत स्थिर से करना पड़ता है और करना चाहिए स्टार्टिंग पीरियड में, क्योंकि हल्का सा कैलकुलेशन मिस होगा, माइनस प्लस कहीं छूट गया तो हिसाब को ले पड़ेगा, ठीक है ना। जैसा कि पिछले साल में क्या होगा, बार बार मिटाना पड़ता है बोर्ड छोटा होने के कारण से, ठीक है, तो कहीं छूट गया आपका सिस्टम खराब हो गया, लेकिन 10 साल का एक्सपीरियंस है, जब आधा दूर जाते हैं लगता है कि रास्ता गलत है तो याद पड़ता है कि कुछ मिस्टेक हुआ, सुधारना पड़ता है, ठीक है, देखिएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर पावर एक छुपा हुआ है, अब गुना है, दोनों का बेस बराबर है, पावर क्या होगा जुटेगा, माइनस हुआ अब प्लस वन, खत्म हो गया, क्या बचेगा एक्स पर पावर एन इंटू एक्स पर पावर एन प्लस वन, ठीक है, क्या हो गया डीएक्स, ठीक है। फिर क्या करेंगे, लिखेंगे लेट, माना कि एक्स पर पावर एन, ठीक है ना, इसका कितना टी, और डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स पर पावर, देखेंगे ध्यान से लोग, ठीक है ना, पावर आगे आता है, ठीक है ना, जैसे एक्स स्क्वायर होता है तो क्या होता है 2x पावर 1, x क्यूब होता है 3x स्क्वायर होता है ना, तो पावर n आगे आ जाएगा इनटू में x पर पावर क्या होगा n माइनस 1, और dt का क्या होगा dt by dx, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x पर पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt by n, ठीक है, ध्यान देंगे x पर पावर n माइनस 1 dx, x पर पावर n माइनस 1 dx बराबर क्या रखेंगे dt by n रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे या
आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर में क्या बचेगा वन, नीचे में इसके बदले माने हम लोग टी, किसके बदले माने थे इसके बदले, यहाँ पर क्या हो जाएगा टी हो जाएगा इन टू, यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है ना, यहाँ पर क्या ध्यान देंगे टी प्लस वन, ठीक, यहाँ क्या हो गया डी एक्स हो गया, ठीक है। अब डी एक्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे डी टी बाई एन लिखेंगे, डी टी बाई एन लिखेंगे, है ना, तो लिखेंगे हम लोग या आई इक्वल टू वन बाई एन बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन वन बटा टी इंटू टी प्लस वन, क्या हो गया डी टी हो गया, ठीक है। अब इसमें करना क्या हम लोगों को है देखेंगे हम लोग, बहुत इजी है, यहां पर देखिए इंटू में है ना इंटू में, ठीक है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं सब फोकस कीजिएगा, ठीक है, देखेंगे हम लोग, बताइए कैसे होगा, ठीक है। तो हम लोगों को बहुत सा परेशानी होती है क्या चीज समझने के लिए, कब कैसे भूल जाते कहां पे, ठीक है ना, तो इसके लिए आपको खुद समझना होगा, ठीक है ना, और समझने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं यहां पे है, ऐसा नहीं कि आपको अलग मेथड चलेगा, सारा जो मैं बता चुका उसी में से काम करेगा, ठीक है ना। तो यहां पर जब आते हैं हम लोग तो लगता है कि किस तरह के पढ़े, बहुत सा फॉर्मूला भी हो गया होगा, पता चलता होगा नहीं कि कब मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जब ऐसा कंडीशन मिलेगा ना हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, लिखेंगे या वन बाई टी इंटू टी प्लस वन, क्या ठीक है ना, बराबर ए बचा, देखिएगा आप एक हिसाब में आपने बनाया होगा, यहाँ पर एक्स होगा इंटू में फिर कुछ होगा, ठीक है ना, तो अलग अलग किए थे हम लोग, अलग अलग करेंगे ए बटा टी फिर प्लस, ठीक है, बी बटा टी प्लस वन, ठीक, या एक बटा टी इंटू टी प्लस वन, फिर इक्वल टू एलसीएम लेंगे टी इंटू टी प्लस वन कैंसिल ए टी प्लस बी इंटू, सॉरी ए के साथ देखिए गुना होगा टी प्लस वन, फिर छूट जाता हूं, टी प्लस वन प्लस बी टी, ठीक है, कैंसिल हो गया है, एक बराबर ए इंटू टी प्लस वन, ठीक है, प्लस बी टी, ए और बी का निकालना है वैल्यू हम लोगों को, ठीक है ना, तो ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे, बी को निकालना रहेगा ए को जीरो, ए का निकालना रहेगा बी को जीरो, ठीक है, तो लिखेंगे भी जब क्या ए बराबर कितना माइनस एक, जीरो करेंगे ए का क्या निकलेगा बी का निकलेगा, है ना, तो मूर्ख ए का मान नहीं रखेंगे हम लोग, क्या मान रखेंगे एक्स का, नहीं किसका मान रखेंगे टी का, एक्स होता था एक्स का रखते थे टी ए तो टी का रखेंगे, तो टी बराबर क्या रखेंगे माइनस एक, या एक बराबर ए इंटू माइनस एक प्लस वन प्लस बी गुना माइनस एक, ठीक है, या एक इक्वल टू जीरो हो गया क्या बचा माइनस बी, या बी इक्वल टू क्या हो गया माइनस वन, ठीक है, तो हम लोगों को बी का वैल्यू निकल गया कितना माइनस वन, अब निकाल लेते हैं हम लोग किसका किसका वैल्यू ए का वैल्यू, ठीक है, तो क्या लिखेंगे वेन जब एक्स बराबर जीरो या वन इक्वल टू ए इंटू जीरो प्लस वन, ये तो जीरो पूरा हो गया, लिखेंगे या ए इक्वल टू ए या ए इक्वल टू ए, ठीक है, तो हम लोगों को ए का और बी का वैल्यू निकल गया, ए का वैल्यू एक और बी का वैल्यू माइनस एक, अब क्या करेंगे पुट करेंगे, और वन बाई एन तो बाहर में है सबके लिए, ठीक है ना, देखिएगा लिखिए इसको, देखेंगे बाबू हम लोग, ठीक है, इसको भी हाँ ऐसे सब रहने दिए,
ए का ब्रेड हम लोग को पता है कितना है, एक है, बी का तो माइनस एक यहाँ पे है ही है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग या क्या चीज देखना यहां चलेंगे पे, ठीक है ना। तो वहां चलेंगे, वहां बोला ये बोला यहाँ कुछ लिखा हुआ है, लिखा हुआ क्या, तो I इज इक्वल टू वन बाई एन इंटीग्रेशन, वन बाई एन से मतलब मुझे यहाँ पे इस टाइप से, क्योंकि बाहर में है सबके लिए, इसका जो फंक्शन होगा ना इससे फंक्शन करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या वन बटा टी इंटू टी प्लस वन इज इक्वल टू, देखिये बाबू इसके बाद इतना है वन बाई एन तो बाहर करेंगे इसमें भी इंटीग्रेशन, सबके लिए ना है, बराबर में कर लेते हैं, ए का मान एक है देखिए, और फिर क्या है टी है, फिर प्लस बिटा रहा हूं, ठीक। और फिर देखिए बी का वैल्यू कितना, माइनस एक है, देखिएगा माइनस एक, तो यहां पर देखिए जब अलग अलग कर ही रहे हैं हम लोग तो एक ही बार कर लेते हैं, डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन माइनस एक बटा क्या है टी प्लस वन, ठीक, एक क्या हो गया डी एक्स, ठीक है। देखिएगा हम लोग का सब टी में आ गया, चेंज हो गया, तो यहां पर डी टी हो जाएगा, यहां भी डी टी हो जाएगा, और फिर यहां भी डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग लिखेंगे बराबर वन बाई एन इंटू वन बाई एक्स का क्या हो गया लॉग मोड एक्स, यहाँ टी है तो क्या हो गया टी, हमेशा थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है टी और एक्स में जब मानते हैं, तो ये सब नॉर्मल चीज है, देखिएगा ठीक है ना, मिस्टेक ना हो। और फिर क्या है प्लस माइनस 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 बाहर निकलेगा, तो फिर इसका क्या हो जाएगा लॉग मोड टी प्लस वन, ठीक है। और फिर प्लस क्या करेंगे सी, लिखेंगे बराबर वन बटा एन इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे लॉग मोड टी बटा टी प्लस वन, ठीक है, और प्लस क्या सी, माइनस में बटा में हो गया, बराबर वन बटा एन इंटू, अब ब्रैकेट खत्म कर देते हैं, लॉग मोड जहां टी है उसको मैंने क्या माने थे एक्सपो पावर एन, नीचे क्या एक्सपो पावर एन प्लस वन और प्लस सी, आंसर हो गया, ठीक है। सी को मिस मत कीजिएगा और बहुत नॉर्मल सब हो गया फिर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस बाहर निकले था, ठीक। देखेंगे बापू क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्या आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स बाई वन माइनस साइन एक्स, और फिर इंटू टू माइनस साइन एक्स, क्या हो गया डी एक्स। आपका किताब में संकेत में दिया गया है कि साइन एक्स बराबर टी मानिए, समझ गया ना, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे लेट माना कि साइन एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स, या कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, कॉस एक्स डी एक्स क्या हो गया डी टी हो गया इसके वैल्यू, है ना। लिखेंगे या आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिएगा ऊपर क्या बचेगा वन, नीचे वन माइनस है ना, और एक क्या है टी, ठीक, इंटू टू माइनस टी, ठीक, और फिर क्या डी एक्स नहीं क्या होगा डी टी ना, इसके बदल दिया, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे समझ में आता नहीं है, फिर वही सिचुएशन पे आके खड़ा हो गया ना हम लोग, ठीक है, क्या मानेंगे ए और बी मानेंगे, ठीक। चलिए देखेंगे या वन बटा वन माइनस टी इंटू टू माइनस टी, ठीक है, वन माइनस टी इंटू टू माइनस टी बराबर ए बटा वन माइनस टी प्लस बी बटा टू माइनस टी, ठीक। तो लिखेंगे या वन बटा वन माइनस टी इंटू टू माइनस टी इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे हम लोग, वन माइनस टी इंटू टू माइनस टी, ठीक है। तो ए इंटू
माइनस मिला, वन माइनस टी का खत्म हो गया, क्या हो गया टू माइनस टी प्लस, ऊपर लिख देते हैं बी इंटू, ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया वन माइनस टी कैंसिल, लिखेंगे या वन इज इक्वल टू ए इंटू टू माइनस टी प्लस बी इंटू वन माइनस टी, ठीक है। अब ध्यान देंगे इसमें, ठीक है ना, ध्यान देने वाली बात क्या चीज है, आप ए का मान निकालना है, बी का मान निकालना है, ठीक। लिखेंगे वेन जब, सॉरी ए नहीं टी ना लिखेंगे, टी इज इक्वल टू क्या वन, तो या वन इज इक्वल टू ए इंटू टू माइनस वन, तो जीरो हो गया, वन रखेंगे तो, या वन इज इक्वल टू टू में से गया एक, ए हो गया, ए बराबर क्या हो गया एक, ठीक है। फिर लिखेंगे वेन जब टी इज इक्वल टू टू, ये जीरो करना, बी का मान निकालना है, लिखेंगे या वन इज इक्वल टू, ये जीरो हो गया, बी इंटू वन माइनस टू, या वन इज इक्वल टू माइनस बी, या बी इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। बी का वैल्यू क्या हो गया माइनस वन हो गया। तो जब भी ऐसा सिस्टम में दिखे तो मुझे इस तरह का मानना होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। और केयर कीजिएगा कि यहाँ पे एक्स हो चाहे टी हो, बात क्या है बराबर ही है, ठीक। और फिर यहां जब आते हैं एक्स के बदले क्या टी का वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि टी में है, ठीक है ना। और ए बी का मान निकालना होता है, ऐसा नहीं कि ए का मान रख दीजिएगा और टी का मान निकालिएगा, समझ गया, ऐसे में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन बच जाएगा, बी और टी दोनों बच जाएगा, है ना। तो चलिए कीजिए, देखेंगे बाबू इधर, ठीक है। जैसे कि अब इसमें मान पुट करना हम लोग को ए बी का, ठीक है। लिखेंगे हम लोग या आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन बटा वन माइनस टी इंटू टू माइनस टी, ये डी टी हो गया, है ना, टी ए को। फिर बराबर क्या, इसके बराबर में क्या हो जाएगा, देखेंगे इंटीग्रेशन ए का वैल्यू कितना है एक, एक बटा नीचे वन माइनस टी, यहाँ क्या हो गया डी टी, और प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा बी का वैल्यू रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक बटा क्या हो जाएगा नीचे टू माइनस टी, ठीक है। यहाँ भी क्या हो गया डी टी, देखेंगे या इसके बराबर ए है और फिर इसके बराबर ए है ना पूरा, लिखेंगे या आई इक्वल टू, इससे मतलब नहीं है उनको, इससे मतलब इसके बदल दिया गया, ठीक है। आई इक्वल टू तो क्या हो जाएगा लॉग मोड वन माइनस टी माइनस लॉग मोड टू माइनस टी या प्लस सी हो गया, लिखेंगे या आई इक्वल टू लॉग मोड वन माइनस टी बटा टू माइनस टी या प्लस सी, या आई इक्वल टू लॉग मोड वन माइनस, जहां टी है वहां क्या लिखेंगे साइन एक्स, नीचे टू माइनस साइन एक्स, क्योंकि मानते थे हम लोग, ठीक है, और प्लस सी, मेरा क्या हो गया आंसर। आज के वीडियो में बस यहीं तक, क्वेश्चन नंबर 17 तक, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 से मतलब 18 से चलेंगे, है ना, और अंतिम तक हो जाएगा, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, 21 क्वेश्चन है, ठीक है। और कैलकुलेशन का ख्याल रखिएगा, हल्का सा मिस्टेक देखे होंगे आप, एक दो जगह मिस्टेक हो गया है तो हल्का सा परेशानी हुई होगी, ठीक है, तो नोट कीजिए इसको यहां तक, ठीक है, आपका आंसर हो गया। देखिएगा बाबू, ठीक है, तो ऐसे हिसाब में ना दो तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, पहला प्लस सी जो स्वेच्छ अचर है तो लास्ट में देते हैं हम लोग जब इंटीग्रेशन का चिन्ह हटता है तो, ठीक है, बहुत जरूरी है, बोलिए मत। दूसरी बात तो फॉर्मूला वगैरह तो ख्याल रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना फॉर्मूला का हिसाब बनेगा नहीं, हर एक डेक पर फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। और तीसरी बात फॉर्मूला के ही अंडर में आता है कि एक्स के गुणांक से भागा देना होता है। देखिए यदि मैं छोड़ता हूं तो फिर परेशानी होती है, x के गुणांक में क्या है माइनस एक है, ठीक है, फिर देखिए क्या है माइनस एक है, ठीक है,
तो यहां पर देखिए कैसे हो गया। फिर देखेंगे लिखेंगे या आई इक्वल टू माइनस ले लेगा ऊपर लॉग मोड वन माइनस टी माइनस माइनस प्लस लॉग मोड टू माइनस टी या प्लस सी, ठीक है, या आई इक्वल टू प्लस वाला आगे लिख लेंगे लॉग मोड टू माइनस टी माइनस लॉग मोड वन माइनस टी प्लस सी, ठीक है, या आई इक्वल टू लॉग मोड टू माइनस यहाँ टी वन क्या लिखेंगे साइन एक्स नीचे वन माइनस साइन एक्स प्लस क्या हो गया सी, ठीक। तो अब यहां पे जब हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो मेनली विद्यार्थी का एक ही फोकस होता है कि मेरे टीचर हिसाब को स्टार्ट करे और खत्म कर दे, मैं आंसर मिला लू, जवाब समाप्त हो जाए। तो हर एक पहलू पर नजर देना पड़ेगा, तब जाकर हिसाब आपका अपना होगा। ये सब चैप्टर कैलकुलस के अंतर्गत आते हैं और कैलकुलस 44 नंबर का पहलू रखता है, समझ गया ना। मैं जब एक बार कभी वीडियो में आऊंगा तो कैलकुलस के बारे में बताऊंगा, उसके अंदर कितने चैप्टर्स हैं, कहां से कितने मार्क्स का क्वेश्चन उठाया जाता है, ठीक है, और बहुत वैल्यूएबल चीज रहता है सब चीज, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा जब हम माइनस से भागा देते हैं, सिर्फ माइनस ही नहीं रहता, उसके साथ गुणांक में एक ऑटोमेटिक छिपा हुआ रहता है, ठीक है। यदि यहाँ पे प्लस होती तो प्लस वन से भागा पड़ता, तो प्लस वन से भागा देने पर प्रभाव नहीं पड़ता, समझ गया ना, ठीक है। तो माइनस में ही ज्यादा परेशानी होती है, इसलिए माइनस को ख्याल रखेंगे हम लोग, ठीक है। आपका आंसर आई इक्वल टू लॉग टू माइनस साइन एक्स बटा वन माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। यदि इसके पहले जो मैं बता था कैंसिल आ गया, वन माइनस साइन एक्स ऊपर था या नीचे था, तो अब वहां पे यदि आप मेरी क्लास में अवेलेबल होते आप, ठीक है, मौजूद होते प्रेजेंट होते, तो वहां पे आप शायद टोकते के लिए टोकते, पता नहीं मुझे कि सर आपने यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। इसके लिए आपको खुद वहां पे फोकस करना होगा, कंसंट्रेट रहना होगा, ठीक है ना। और सिर्फ आपको आंसर से मतलब नहीं, आंसर किताब से मिला कि नहीं मिला, ठीक है ना, आपको वहां खुद तय करना होगा, डिसाइड करना होगा कि मेरा आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है ना, मैं इस तरह से बनाऊं कि आंसर मिस होना नहीं चाहिए, ठीक है, नोट कर लीजिए।